नंबर, मोबाइल नंबर, फिर नीचे आएगा एड्रेस, एड्रेस ओके, फिर और नीचे आएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, नीचे लिखो अच्छे से आपके घर में कितने लोग हैं, तो वो आपको लिखना ओके, आपके घर में कितने लोग हैं, फिर इसमें लिखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसकी एज क्या है, बोलेंगे मेरे पापा बड़े हैं, पापा की एज क्या है, बोलेंगे 70 इयर्स के, फिर लिखो सबसे छोटा घर में कौन है, सबसे छोटा घर में कौन है, फिर लिखो नीचे इसकी एज कितनी होगी वो भी पूछ लो, फिर लिखो कि घर में किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई रोग है ऐसा नहीं लिखना है, शारीरिक प्रॉब्लम कोई है, फिर नीचे लिखो कोई दवाई चल रही है, फिर नीचे लिखो कितने टाइम से चल रही है, दवाई चल रही है कितने टाइम से चल रही है, फिर लिखो, लिख रहे हो ना सब, हाँ मैं देखती भी हूँ कि अच्छे से लिख रहे हो, महीने में दवाई का खर्चा कितना, दवाई चल रही है तो वो भी लिख ही लेना साथ साथ में कि एलोपैथी चल रही है, होम्योपैथी चल रही है कि आयुर्वेदिक चल रही है, कौन सी चल रही है, कौन सी दवाई चल रही है, कितने टाइम से चल रही है, महीने का खर्चा कितना, ये सब पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, यही आप अच्छे से प्रिंट करवा सकते हो, किसी के पास टाइपिंग करके अच्छे से प्रिंट निकलवा सकते हो, लेकिन थोड़ा लेटर बड़ा बड़ा होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको करना है। सबसे नीचे आपका नाम, मतलब हमारा दीपिका सोनी, दीपिका सोनी, और मेरा मोबाइल नंबर 9821683377। तो वो कैसे आएगा, एकदम लास्ट में आएगा, लास्ट में। और आपको पता है यहाँ पे ऐसे छेद 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 वाला आता है, तो उसको ऐसे ही करवाना है, फिर उसका सब लिख के ऐसा करके ऐसा फाड़, ये जो छेद नीचे वाली है हमारा नाम और मोबाइल नंबर उसको दे देना जो है उसको। अभी मैं पूरा आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमारा हेल्थ सर्वे का जो है वो किस तरीके से पेज छपवाना है वो मैंने आपको बोला, लेकिन उसको अभी क्या बोलना है ये हमें 15-20-25 या तो हम लोग क्या करते हैं पूरा बुक छपवा लेते हैं, पूरा बुक, कि भाई बुक जितना जितनी ज्यादा क्वांटिटी इतना हमें सस्ता पड़ेगा, तो ये अच्छे से बुक लेके हमें कोई सोसाइटी के अंदर चले जाना है, हमारे हाथ में मस्त वाली ऐसे बुक होगी, ऐसे बुक होगी, एक छोटी सी डायरी भी साथ में होगी, पेन होगा, नहीं तो वो पैड आता है वो भी लेके जाओ, बुक के अंदर अच्छे से रखो, पेन हमारी अच्छी होनी चाहिए, 2 रुपए वाली पेन मत रखना, पेन भी ऐसे रखो जैसे अभी बायोडोडियम वाली भी है उसके पास, तो ये बनवा भी सकते हो, अच्छी वाली पेन लेके जाना, हमारा जो आई कार्ड है वो भी लेके जाना, फिर ड्रेसिंग एकदम अच्छा होना चाहिए, हमारे में से बदबू नहीं आनी चाहिए, अच्छे से स्मेल आनी चाहिए, किसी के भी घर पे सोसाइटी में चालू कर दो, सोसाइटी चालू कर दो, सोसाइटी जैसे सोसाइटी के अंदर जाओगे किसी का दरवाजा, हम इसके अंदर तो कंपल्सरी दरवाजा नॉक करना ही पड़ेगा, दरवाजा नॉक करो सबका, एक का करो, दो लोग गए दोनों के दोनों साथ में खड़े रहो, ऐसा है बाजू बाजू में घर है तो अगल बगल दोनों साथ में चले जाओ, सामने सामने चले जाओ, लेकिन रखो साथ में, एक इधर है एक उधर है, एक चली जाए एक यहाँ पे, ऐसा सामने सामने, उसको लगेगा कि नहीं सविता बेन ने भी दरवाजा खुला रखा, ये वाली यहाँ पे कविता बेन ने भी दरवाजा खुला, दोनों को दोनों का दरवाजा खुला, मतलब सामने सामने इस तरीके से रहो कि उसको सविता बेन दिखे उसको कविता बेन, तो इस तरीके से उसको भी लगे नहीं वो भी लिखवा रही है तो मैं भी लिखवाऊं, उसको लगेगा वो भी लिखवा रही है तो मैं भी लिखवाऊं, फिर उसको बोलो कि कैसे हो, जय श्री कृष्ण, जो भी दिखे अंदर स्वामीनारायण भगवान का फोटो दिखे, जय स्वामीनारायण, माता जी का फोटो दिखे, जय माता जी, कुछ ना दिखे तो गुजराती है तो जय श्री कृष्ण करके खड़े रहे, फिर उसको बोलो कि मेरा नाम दीपिका सोनी है,
मैं आश्रय सोसाइटी में रह रही हूँ और हम लोग एक हेल्थ सर्वे के लिए निकले हैं। तो हम खाली देखना चाहते हैं, कुछ बेचने बेचने नहीं आए हैं, ऐसा कुछ ऐसा ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको उस टाइम पे ई बायोटोरियम का, मैट्रेस का ई भी नहीं बोलना चाहिए या एम भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं। खाली एक हेल्थ सर्वे के लिए हम लोग निकले हैं, जो आप हमें बता सकते हो। तो फिर उन लोगों को लगेगा नहीं, ये लोग खाली कुछ बेचने के लिए नहीं आए हैं, कुछ ऐसे हाथ में कुछ लेके नहीं आए हैं, खाली हेल्थ सर्वे के लिए। तो उन लोगों को बोलना है कि मैं आज आपको कुछ पूछूंगी, तो उसके जवाब खाली आपको मुझे देना है। तो वो हमें देख के उसको पता चलना चाहिए कि नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, हमें उसका जवाब देना है। फिर उसको शांति से कोई है तो नहीं, तो कई लोग तो ऐसे इस तरीके से बोलते हैं ना, बोलते हाँ हाँ आओ, अंदर आके बैठो, अंदर आके बैठो, अच्छे से उसके घर में बैठना है। पानी दूं क्या? नहीं, पानी नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पानी कम दिया। कहीं पर भी जाओ पानी भी नहीं पीना है, चाय की तो दूर की बात, पानी भी नहीं पीना है। फिर उसको लगेगा चलो अच्छा है, पानी लेने के लिए भी नहीं जाना है, वो सामने बैठ जाएंगे, अच्छे से बैठ जाएंगे। उसको बोला आपका नाम क्या है, तो वो बोलेंगे फला फला मेरा नाम है। अच्छे से उसको उसका नाम लिखो। फिर आपका एड्रेस क्या है यहाँ का, मोबाइल नंबर बाद में धीरे से, उसको थोड़ा मोबाइल नंबर वाला पहले थोड़ा खाली रखना, तुरंत नंबर नहीं मांगना, नहीं तो वो लोग नहीं देंगे। थोड़ा उसके साथ रेपो बनाओ, बाद में वो आपको नंबर देंगे। नंबर लेना है तो इस तरीके से लेना पड़ेगा। उसको बोला ये सोसाइटी का मैंने कुछ नाम, मंगल पाग क्या है इसका, बोलेंगे हाँ हाँ वो सोसाइटी का नाम और ये है। तो पूरा एड्रेस लिखना है उसके नाम के साथ, परेश सोनी A18 आश्रय सोसाइटी नंदेला, ऐसे फिक्स करके आपको अच्छा सा एड्रेस लिखना है, मतलब पूरा एड्रेस आपके पास आ गया। फिर उसको बोलना है कि घर में कितने लोग हो आप लोग, तो बोलेंगे हम लोग चार लोग हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चार लोग है ना, बहुत, उसके हर एक बात पे हमें वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चार लोग, सबसे बड़ा कौन है इसके अंदर। फिर थोड़ी स्माइल देनी है, देखो हम उसके पास ऑर्डर करने के लिए नहीं गए हैं, ऑर्डर से नहीं लिखना है, मुंह छड़ा हुआ नहीं रखना है, मुंह ऐसा करके नहीं रखना है, अच्छे से स्माइल के साथ उसको बोलो कि घर में सबसे बड़ा कौन है, आप तो नहीं लगते। तो वो लोग बोलेंगे, और जो बूढ़ा है उसको ऐसा मत बोलना कि आप नहीं लगते हो, उसको बोलना घर में कितने लोग है, कितने क्या है वो है, फिर बोलना घर में सबसे बड़ा। तो बोले मेरे दादाजी, मेरे ससुर, वो सबसे बड़े है। वेरी गुड, क्या बात है, और इनकी एज कितनी होगी, 71 ईयर्स की, अरे वाह। फिर सबसे छोटा कौन है, तो बोलेंगे कि भाई मेरा बेटा है या मैं हूँ सबसे छोटी। अच्छा आपकी एज कितनी होगी, इतनी। अच्छा घर में किसी को कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, ऐसा पूछना, जैसे वो खांसता हुआ आए या वो ऐसे ऐसे चलता है, फिर भी उसको मत पूछना कि आपको तकलीफ है, उसको यूं ही पूछना कि घर में किसी को शारीरिक तकलीफ है या शारीरिक प्रॉब्लम है। बोलेंगे हाँ मेरे बाबूजी को डायबिटीज है। अच्छा कितने साल से है, कितनी मतलब दवाई चल रही है, तो बोलेंगे हाँ। अच्छा कितने टाइम से चल रही है, बोले 5 साल से। महीने का खर्चा कितना आता होगा आपका दवाई का, बोलेंगे 3,000, 4,000, 5,000। उस टाइम पे ऐसा नहीं बोलना है, देखो अंदर तो जहन में बहुत आएगा, भाई तू मेरा मैट्रेस लेके सो जा, मेरी मैट्रेस अच्छी है, तेरा इतना खर्चा नहीं आएगा, डॉक्टर तेरी दवाइयां तू जाएगा तब तक तेरे से करवाएगा, तेरे को डॉक्टर की दवाई लेनी ही पड़ेगी, जाते जाते भी सांस दो बच्चे है तो वो भी दवाई खा के ही तुझे जाना है ऊपर, क्योंकि वहां जाके डायबिटीज हो गया तो क्या होगा। ऐसा बहुत आएगा अंदर से, इतना उभार आएगा, लेकिन शांत रहना है वो टाइम पे। जैसे पानी की बोतल ले जाके थोड़ा थोड़ा डालो कि भाई शांत रहो, तुझे अभी कुछ नहीं बताना है कि तू किस लिए आई, महीने का दवाई का खर्चा कितना था। फिर ये सब पूछ के हमें सब पता चल गया कि ये घर में डायबिटीज है। हमें अच्छे से लिखना है, फटफट से हमारे लेटर गाने